हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज आपके साथ एक बहुत ही देसी नुस्खा, एक देसी रेमेडी शेयर करूंगी जिसकी ज़रूरत हम सबको कभी ना कभी पड़ती ही पड़ती है। और ये रेमेडी हम झटपट से घर पे बनाकर रख सकते हैं, अपने और अपने परिवार वालों की सेहत के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। बेसिकली ये रेमेडी जो मैंने बनाई है, ये एक टाइप का पाउडर बनाया है और ये कॉफ अगर हो रहा हो, गले में बलगम है, खांसी है, दर्द है, छाती जाम है, उसके लिए बहुत अच्छा है। किसी को छींकें आ रही हो, माइनर कोल्ड के सिम्टम्स हो, तो बहुत अच्छा है। घर में बच्चे हैं, बूढ़े हैं या जवान हैं, सबके लिए ये नुस्खा काम करता है। तो आप लीजिए तवे या पैन पर एक छोटी चम्मच काली मिर्च के दाने। आपको क्वांटिटी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जितनी क्वांटिटी आप काली मिर्च की लेंगे, सेम उतनी ही क्वांटिटी लौंग की लीजिएगा। लौंग फूल वाला जो आगे से होता है वो लेना है, सिर्फ डंडियाँ डंडियाँ नहीं लेनी है। अब इन दोनों चीज़ों को आपको तवे पर मीडियम टू हाई फ्लेम पर भून लेना है। भूनना ये तब तक है जब तक इस तरह से धुआं ना उठने लगे और लौंग जो है वो सफ़ेद ना हो जाए। बहुत ही आसानी से ये भून जाता है और ये लौंग भी सफ़ेद बड़ी आसानी से हो जाता है। इसको इस तरह से आप भूनते रहिए, काली मिर्च जो है वो चटकने लग जाएगी, लौंग सफ़ेद होने लग जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा दोनों चीज़ें भुन चुकी हैं। बहुत ज़्यादा फ्लेम को हाई नहीं करेंगे जिससे कि वो जल ना जाए। अब जब ये हो जाएगा तो आप फ्लेम को बंद कर सकते हो और इसको रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा होने का वेट करेंगे। ये रेमेडी एक ऐसी रेमेडी है जिसे मैं अपने घर के हर इंसान को देती हूँ, हर सदस्य को देती हूँ, जब भी उनको कॉफ या कोल्ड के सिम्टम शुरू होने लगते हैं। तो इस तरह से देखिए, मैं रूम टेम्परेचर पे इसको लेकर आई हूँ। अब डायरेक्टली आप इसको या तो ग्राइंडिंग जार में पीस लो, या फिर आप इस तरह से, जो कि मैं आसान, सबसे आसान उपाय करती हूँ, चकले बेलन पे इस तरह से कूट लेती हूँ, नहीं तो आप इसको हमाम दस्ते में भी कूट सकते हैं। बहुत ही कम क्वांटिटी होता है तो इतना छोटी सी चीज़ के लिए ग्राइंडिंग जार की ज़रूरत नहीं है। तो बस आप इस तरह आसानी से जिस तरह मैं कर रही हूँ कर लो और आप इसको स्टोर करके महीनों तक रख सकते हो। फाइन एक पाउडर बन जाता है और बस। अगर आप इसको इसी तरह लेना चाहते हैं तो एक चुटकी ये लीजिए, आधा चम्मच शहद डालिए और दिन में दो बार ले सकते हैं, लेकिन मैं इसकी गुडनेस को और थोड़ा बढ़ाऊंगी और मैं इसमें ऐड करती हूं हमेशा ड्राई जिंजर पाउडर यानी सौंठ का पाउडर। ये आसानी से आपको हर जगह हर शॉप में मिल जाएगा, जिसे सौंठ पाउडर कहते हैं, और ये बहुत अच्छा है छाती में जमे कफ को, बलगम को हटाने के लिए। तीनों चीजें ही एंटी इंफ्लेमेटरी होती हैं और हमारी गले, नाक, छाती के लिए बहुत अच्छी है। माइल्ड सिम्टम दिखने लगे फटाफट से ये दे दीजिए। आधी चम्मच, छोटी आधी चम्मच मैंने इसमें सौंठ पाउडर डाल लिया है। अब बस ये एक दवाई बनकर तैयार है और इसको मैं इजीली किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकती हूँ। अब लेना कैसे है, आपको एक चुटकी के करीब ये लेना है और इसमें आपको सिर्फ हनी डालना है। आप इसे बच्चे को भी दे सकते हैं, बड़े को भी दे सकते हैं। अगर आप छोटे बच्चे को दे रहे हैं तो क्वांटिटी और थोड़ी कम कर दीजिए, और अगर आप बड़ों को दे रहे हैं तब ये क्वांटिटी ठीक रहता है। इसमें बस आपको ऐड करना है आधी चम्मच शहद और इसको मिक्स कर लेना है। दिन में दो बार आप अगर इसको लेते हैं तो आपके गले की बलगम, गले में दर्द, गले में खिंचाव हो रहा हो, या ड्राई कॉफ हो, बहुत ज़्यादा बलगम बन गई हो, या फिर जुकाम या छींकों के सिम्टम्स हो, तो बस आपको दिन में दो बार इस तरह से आधी आधी चम्मच इस दवाई को लेना है और आप खुद देखेंगे कि एक से दो दिनों के अंदर ही आपको आराम आ जाएगा। इनफैक्ट अगर आपको माइल्ड सिम्टम होंगे ना शुरुआत में, अगर आप ये ले लेंगे ना, तो पहली बार में ही आपको आराम आ जाएगा। और ये नुस्खा इतना कारगर है कि मैं पूरी सर्दियाँ, पूरी गर्मियाँ, जब भी कभी कोल्ड या कॉफ के सिम्टम मेरे घर में किसी को भी होते हैं, मैं यही रेमेडी यूज़ करती हूँ। इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमें काढ़ा बनाने का झंझट नहीं करना पड़ता। दूसरा, इस पाउडर को आप स्टोर करके रख सकते हो। बस जब भी आपको लगे फटाफट से एक चुटकी पाउडर निकालिए, शहद में मिक्स करिए और खिला दीजिए। इससे गरम गरम काढ़ा नहीं पीना जाता, क्योंकि कई बार क्या होता है गर्मियों में, या बच्चे अक्सर काढ़ा नहीं पीना चाहते हैं, तो आप उनको ये आसानी से दे सकते हो। इस रेमेडी के साथ आप बिल्कुल श्योर हो सकते हो कि गले की बलगम, खांसी बिल्कुल दूर हो सकती है। तो बच्चों से लेकर बूढ़े तक गले और छाती कफ बलगम को ठीक करना चाहते हो तो आजमाओ इस नुस्खे को। फिर मिलती हूँ, बाय बाय।